आ गए तुम लोग अब ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में तो तुम लोग बहुत मजे किए, अटेंड तो करते नहीं थे और मुझे पागल कुत्ता बना दिए थे। आश अपने को पहचान तो लिए। अब बताओ तुमने लॉकडाउन में क्या किया? सर मैं लॉकडाउन पर मैंने आवारागर्दी की और आवारागर्दी की और आवारागर्दी। तुमने क्या किया? सर मैंने तो अपने लॉकडाउन में 300 बॉयफ्रेंड बनाए और 500 बेस्ट फ्रेंड्स बनाए। दिन भर इन लोगों के साथ चैटिंग की। बस सर मेरा लॉकडाउन नहीं, एक मनहूस खबर आ गई कि सर स्कूल खुल गया, फिर मुझे आपका शक्ल देखना पड़ रहा है आज। तुमने क्या किया लॉकडाउन में? हाँ सर मैंने तो मैंने तो कुछ नहीं किया। पागल हो गए? कुछ किए? कुछ पढ़े लिखे? हाँ सर मैंने पढ़ाई की ना सर, मैंने ये पढ़ाई कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे डालते हैं, गूगल पे सर्च किया, फिर मैंने पढ़ाई की, यूट्यूब पे वीडियो डालना सीखा, मैंने इंटरटेन किया, ये बहुत बड़ी मेरे लिए पढ़ाई है। और मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या पढ़ा? सर मैं तो अपने 300 बॉयफ्रेंडों से फुर्सत ही नहीं पाती थी कि बुक खोल के देख सकूं। सर पागल है, एक से एक पागल है। तुमने क्या पढ़ा? सर मेरे माँ बाप दोनों बेरोजगार हो गए थे, हम लोग उनके ऑफिस के हेड उनको नौकरी से निकाल दिए, उनकी ऑफिस भी कंगाल हो गई, फिर हम लोग भी कंगाल हो गए। सर हम लोग ने खाने को पैसा नहीं था तो हम लोग बुक किताब कहाँ से लेते सर, आप ही बताओ कहाँ से लेते। आप देते हमको बुक किताब, आप हमको एक पेन देने में तो हिचकिचाते हो, बुक किताब कहाँ से लेते। और काले हो गए सर लॉकडाउन में। सर देख चश्मा, हमने कोई 4 साल पुराना चश्मा पहना है सर, वो दिखाया भी नहीं मैंने, चाय टेस्ट भी नहीं कराया सर, दवाई खाने को तो पैसा नहीं था। 3 बार हम लोग मौत के कुएं से निकले सर, इतने हम लोग भूखे थे सर, इतने भूखे थे सर, मरते मरते बच रहे सर, जगह जगह खाने को नहीं था, फीस भरने का तो पैसा नहीं था सर, अब क्या करें सर, भूख के से। ये बेचारा गरीब है रहने दो, तुम मत पढ़ो। हाँ हम जानते हैं तुम्हारे 2 साल से फीस नहीं जमा है, बहुत गरीब है बेचारा। सर झूठ बोल रहे सर, ये झूठ है। मैं होटल में गया था खाना खाने, और सर मैं देखा मेरे बगल वाले बेंच में ये बैठा हुआ था, और कहते हैं सर इतना खाया, उसके परिवार वाले इतना खाया कि जो होटल का मालिक था वो सड़क पे आता है, उसको कुछ नहीं खाने को बचा, खा लिए सब इनके फैमिली वाले और ये मिल गए। अब बोलो भाई होटल में खाना खा रहे हो, बोल रहे पैसा नहीं है। लोग को कैसे तैसे पैसा मिला था तो जाके हम लोग भर पेट खाना खाए होटल में सर। ठीक है तो मैं बाहर देखता हूँ। तुम लोगों ने क्या सीखा लॉकडाउन में, तुमने क्या करा लॉकडाउन भर में, मतलब कुछ भी एक्टिविटीज कुछ सीखी तुमने? हाँ सर सीखा ना, बहुत कुछ सीखा।
चाय बनाना चाय परोसना, खाना बनाना खाना खाना, खाना पीना पीना खाना खाना पीना, होटल में जाना होटल में जाके आवारागर्दी करना, फिर बाहर जाना बाहर से घूमना, घूमने से बाहर आना, अंदर बाहर अंदर बाहर, माँ बाप की गाली सुनना, गाली सुनने के बाद फिर गाली सुनना, फिर गाली सुनने के बाद फिर वही काम करना जिसकी वजह से गाली मिला है, फिर उसको गाली खाना, उसके लिए वापस मैं गाली खाऊंगा। मैं बहुत कुछ सीखा, मैंने कॉफ़ी बनाना सीखा, मिल्क शेक बनाना सीखा, मैंने दाल चावल बनाना सीखा, मैंने सब्जी रोटी बनाना सीखा, मैंने रोटी बेलना सीखा, मैंने सब्जी काटना सीखा, मैंने सर भिंडी बनाना सीखा, मैंने सर लड़कियों को लाइन मारना सीख गया सर, गाली देना भूल गया सर, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखा सर, मैंने पढ़ना नहीं सीखा सर बस, और सर मैंने सर मैं आवारागर्दी करना सीखा। और तुमने क्या किया सर? आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास 300 बॉयफ्रेंड हैं और 500 बेस्ट फ्रेंड, इससे बड़ी एक्टिविटी कौन हो सकती है सर? तुमने क्या किया? नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम तो बेचारा करीब है, तुम रहने दो। थैंक यू सर। और तुम लोगों का दिनचर्या क्या था लॉकडाउन में? दिन भर में तुम लोग करते क्या थे तुम बताओ पहले। दिन भर में जैसे कि सर सुबह 12 बजे उठते थे। अरे 12 बजे सुबह नहीं, दोपहर होता है 12 बजे। हाँ भाई दोपहर में 12 बजे उठते थे सर, फिर 1 बजे उठते थे। 12 बजे उठे फिर 1 बजे उठे सर? वो 12 बजे सुसु करने उठते थे, फिर 1 बजे टॉयलेट करने उठे। मैं 1:30 बजे से जैसे उठा सर वैसे ही बेड पे बैठा। हाँ अब पढ़ेगा। और तुरंत भक्त कोसना शुरू कर दिया खाना, फिर लगातार 2 बजे तक खाना खाया सर, फिर 2 बजे के बाद 3 बजे तक मैं टीवी देखा, 3 बजे के बाद। हाँ अब पढ़ेगा। 3 बजने के बाद तुरंत ही बैट बॉल उठाया, बाहर गया खेलने सब, 9 बजे फिर रात में आया, 9 बजे आया माँ बाप की, फिर वापस मैंने गाली सुना सर, कहाँ था फिर सर माँ बाप की गाली खाने के बाद 9 बजे से लेकर लगातार 12:30 बजे तक हम रोज बुक उठाए पेन उठाए लिखना नहीं शुरू करे, तुरंत ही बुक और पेन को साइड करके तुरंत पबजी खोले और 12:30 बजे तक पबजी खेले। यही था हमारा टीम रूटीन। तुमने क्या किया? मेरा तो लॉकडाउन ऐसा कटा कि मैं आपको बता सकती हूँ, तो मेरे 25 लोग का आटा गुंजवाते थे और उसमें घूमते घूमते हम भी घूम जाते थे सर, फिर मुझसे गुंजवाने के बाद 25 लोग का रोटी बनवाते थे सर। 25 जन का रोटी मीन्स कम से कम 120-125 लोगों का रोटी, 5-5 रोटी सब लोग अबोस के खाते थे सर, मेरी करियर की हड्डी डैमेज हो जाती सर। दो साल से मैं रोज यही कर रही हूँ सर। सर मैं कभी बोलूँ कि मेरे आज रोज बड़े हो रहे हैं, मुझे मेकअप की जरूरत है तो ये लोग मुझे पार्लर भी नहीं ले जाते हैं सर। और ऐसे ही ये लोग मुझे बर्बाद कर देते हैं सर, मैं पूरी बर्बाद हो जाती हूँ। आप ही बताइए ये कोई लॉकडाउन सर? और आप तो जानते ही हैं सर मेरे पास 300 बॉयफ्रेंड और 500 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। घर वाले इसके कि कुंभकर्ण? और तुमने क्या किया? नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम हो गया ठीक। थैंक यू। मतलब तुम लोगों ने लॉकडाउन बस ऐसे ही बिता दिया, ना कुछ किया ना कुछ करा, बस आवारा कर दी आवारा कर दी आवारा कर दी।